नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। 24-25 साल की उम्र हजारों सपनों से भरी हुई होती है और युवा है तो उसमें जोश भी होगा और जुनून भी होगा, और अगर ऐसे में अगर इश्क मोहब्बत हो जाए तो बगावत लाजमी है। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई की रहने वाली श्रद्धा के साथ, जो सांस्कृतिक अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ रहती थी। 2019 में उसकी मुलाकात आफताब नाम के एक युवक से होती है। दोनों मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करते थे, वहीं पे इन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात परवान चढ़ती है, दोनों में इश्क होता है, और जब इसकी खबर घर वालों को चलती है तो घर में इसको लेकर कलह होने लगता है। माता पिता बच्ची को समझाने की कोशिश करते हैं, पर श्रद्धा के सर पर आफताब का जुनून काफी चढ़ा हुआ था। मोहब्बत का जुनून कुछ इसी तरह का होता है, और श्रद्धा अपने पेरेंट्स से बगावत कर देती है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है वो 25 साल की युवा है और कानूनी उसके पास में राइट है कि वो उसके साथ लिविंग रिलेशन में जा सकती है, और जब घर में कलह ज्यादा बढ़ने लगा तो श्रद्धा एक दिन घर छोड़ देती है और मुंबई में वो आफताब के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगती है। कहानी यही खत्म नहीं होती है, उसके बाद दोनों मुंबई से दिल्ली स्विच करते हैं और दोनों दिल्ली में आकर रहने लगते हैं। यहाँ पर श्रद्धा को जॉब नहीं मिलता है, पर आफताब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर देता है। दोनों की लाइफ काफी हद तक ठीक चल रही थी, पर बीच बीच में श्रद्धा आफताब को शादी करने के लिए दबाव बनाती थी, जिससे दोनों के बीच में मनमुटाव होता था, कहा सुनी होती थी, और कई बार जो दोनों के बीच में काफी हद तक लड़ाई बढ़ जाती थी। ऐसा ही हुआ 18 मई को, जब श्रद्धा ने आफताब के ऊपर शादी करने का दबाव बनाया तो उसमें आफताब अपना टेम्पर लूज कर देता है और वो श्रद्धा को गला दबा कर मार देता है। और जब श्रद्धा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में आफताब को होश आता है कि अब मैं क्या करूं और खुद को कैसे बचाऊं। श्रद्धा का गला दबाकर मर्डर करने के बाद आफताब खुद को पुलिस से बचाने के लिए पैतरे चलना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले एक फ्रिज खरीद के लेके आता है, एक छोटी आरी खरीद के लेके आता है और श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े करता है और उन 35 टुकड़ों को फ्रिज में संभाल कर रख देता है ताकि किसी को बदबू ना आए। और डेली रात को 2 बजे के बाद वो डेड बॉडी के पीसेस लेके निकलता है और दिल्ली के आसपास के जंगलों में उसे फेंकना शुरू कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद वो डेटिंग ऐप पे वापस जाता है और फिर बाकी लड़कियों के साथ में वो फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है और वो उसको उसी घर में बुलाता है जिसमें श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स रखे हुए हैं, और उसी फ्रिज में वो लड़की आती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और चली जाती है। उसे ये नहीं पता चलता है कि इसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बॉडी के पीसेस रखे हुए हैं। और वो इतना ही नहीं, इतना शातिर है कि वो श्रद्धा के फेसबुक अकाउंट और इंस्टा अकाउंट पर भी उसके कुछ फ्रेंड्स को मैसेजेस के रिप्लाई करता है ताकि लोगों को ये लगे कि श्रद्धा जिंदा है। और इसी तरह का वो काम करता रहता है लगभग 18 दिन तक, वो श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स इधर उधर फेंकता फिरता है। जब श्रद्धा की कोई अपडेट नहीं आती है, जब क्योंकि श्रद्धा काफ़ी एक्टिव थी, वो अपने फेसबुक अकाउंट और इंस्टा अकाउंट पे अपनी पोस्ट और अपने वीडियोस अक्सर अपडेट करती रहती थी। जब उसके वीडियोस 2 महीने तक अपडेट नहीं होते और कोई उसकी पोस्ट नई पोस्ट नहीं दिखाई देती है तो उसका फ्रेंड लक्ष्मण उसके पेरेंट्स को फ़ोन करता है और उसके भाई को बताता है कि लगभग 2 महीने से वो श्रद्धा से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर श्रद्धा का कहीं भी पता नहीं है। और जब घर वालों को इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं तो उनको आफताब का वो इंसिडेंट भी याद आता है कि श्रद्धा एक बार आफताब से जब लड़ाई हुई थी तो श्रद्धा अपने घर गई थी, वहाँ पर जाकर उसने कहा था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। पिता ने उसको समझाने की कोशिश की थी, उसके दिमाग में कुछ हद तक पिता की बातें आने लगी थी। फिर आफताब ने उसको फ़ोन किया और फिर उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की और उससे कहा कि अब वो इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। श्रद्धा क्योंकि उससे प्यार करती थी, उसकी बातों में आ गई और वापस उसके पास दिल्ली लौट आती है। जब घर वालों को उसका फ्रेंड बताता है कि इस तरह का इंसिडेंट एक बार मुंबई में भी हुआ था, जब श्रद्धा ने व्हाट्सएप पर उसको एक मैसेज लिखा था, लक्ष्मण नाम का एक फ्रेंड है जो कि कहता है कि श्रद्धा ने उसको व्हाट्सएप मैसेज किया था, मैसेज में कहा था कि अगर वो आज रात आफताब के साथ रुकती है तो आफताब उसका मर्डर कर देगा। फ्रेंड जाते हैं उसके फ्लैट पे और दोनों के बीच में
बीच बाजार कराते हैं और श्रद्धा को उस फ्लैट से निकालते हैं, और साथ ही वो आफ्ताब को वार्निंग भी देते हैं, अगर उसने श्रद्धा के साथ इस तरह का व्यवहार किया तो वो उसकी पुलिस कंप्लेन कर देंगे। पर श्रद्धा क्योंकि आफ्ताब से बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि आफ्ताब को एक मौका और मिले, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बात करती है और कहती है नहीं, उसको एक मौका और दो और वो अब इस बार अच्छा बिहेव करेगा और वो सुधरेगा। परंतु वो इस चीज से अनजान थी कि आफ्ताब इतना ज्यादा वायलेंट है कि वो एक दिन उसका मर्डर भी कर सकता है। आइए बताते हैं आपको इस हत्या का खुलासा आखिर हुआ कैसे। जब श्रद्धा की कोई अपडेट नहीं आ रही थी, उसका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था, तो उसके दोस्त को जब चिंता हुई तो उसने उसके घर पर फोन किया और उसके फादर और ब्रदर से बात की, तो उनको भी चिंता हुई। उसने बताया कि लगभग 2 महीने से उसकी कोई भी पोस्ट अपडेट नहीं हुई है, और जब घर वालों को ज्यादा चिंता हुई तो वो दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने आफ्ताब के खिलाफ FIR दर्ज कराई। और जब छानबीन की गई तब श्रद्धा के फोन की लोकेशन मेहरोली में निकली और उसी के हिसाब से उसी जांच पड़ताल में आफ्ताब का एड्रेस मिला और आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया। जब आफ्ताब से इसके बाबत पूछताछ की गई तो आफ्ताब ने कहा कि श्रद्धा और उसका ब्रेकअप हो गया था और श्रद्धा उसको बहुत टाइम पहले ही छोड़कर वापस जा चुकी है। पर पुलिस को आफ्ताब के ऊपर शक आया और उन्होंने जब आफ्ताब को ग्रिल करना शुरू किया तब आफ्ताब ने हत्या का पूरा खुलासा किया। उसने बताया कि श्रद्धा लगातार उसके ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी और उस बीच उन दोनों के बीच कहासुनी और झगड़ा इतना बढ़ गया कि आफ्ताब ने अपना टेंपर लूज कर दिया और उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। जब उसकी हत्या हो गई तो लाश को ठिकाना लगाने के लिए आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े किए और उसको अलग अलग दिशा में जाकर जंगलों में फेंकना शुरू कर दिया ताकि पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लगे और कोई डिजिटल सबूत ना मिले। इसके लिए उसने श्रद्धा का मोबाइल भी कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है आखिर समाज में इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप क्यों आ गया है कि 18 मई को मर्डर होता है और 6 महीने बाद यानी कि 8 नवंबर को पेरेंट आके दिल्ली में FIR दर्ज करवाते हैं। कहीं ना कहीं हमें आपस के इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना चाहिए। मान लीजिए बच्चे हैं, आवेग में आके अगर कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं या वो पेरेंट्स के साथ में बगावत कर देते हैं, पर पेरेंट्स को अपने बच्चों को साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो मौका हो सकता है कि वो अपने बच्चे को समझा बुझा कर रास्ते में ला सकते हैं, उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन गैप कभी ना रखें। ठीक है, आपकी नाराजगी है तो आप हफ्ते में एक बार बात कर सकते हैं या महीने में एक बार बात कर सकते हैं, पर इतना लंबा गैप कभी भी मत रखिए क्योंकि गुस्सा और आवेग हमें डिस्टेंस बनाने पर मजबूर करता है। परंतु आखिर है तो वो आपके बच्चे, आप अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, गुस्से में आकर हम कम्युनिकेशन गैप कर लेते हैं। अगर बच्चा नाराज है तो वो पेरेंट्स से बात करना बंद कर देता है, अगर पेरेंट्स बच्चे से नाराज है तो वो बात करना बंद कर देते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप हमें नहीं लेके आना चाहिए था। हो सकता था कि अगर उसके श्रद्धा के पेरेंट्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता तो जिस तरह का टॉर्चर और जिस तरह से अब्यूसिव लाइफ श्रद्धा जी रही थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करके उनको बताने की कोशिश जरूर करती, और कहीं ना कहीं एक पल ऐसा जरूर आता कि जब पेरेंट्स श्रद्धा को समझाते तो उसको अपने पेरेंट्स की बात समझ में आती और वो वापस आ सकती थी। कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस और गुस्से को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चे से ही तो बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बच्चा अगर किसी राह पर गुमराह हो गया तो समझाने का काम हमारा ही है। और वहीं बच्चों के लिए भी है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में, मान लीजिए आपके विचार नहीं मिलते हैं, आपके बीच में बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद है तो आप उनसे सारी चीजें शेयर नहीं कर पाते हैं, पर आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके एज ग्रुप के हैं, आपकी जनरेशन के हैं, आप उनसे चीजें जरूर शेयर कीजिए ताकि अगर इस तरह की कोई चीज हो रही हो, जैसे श्रद्धा ने अपने फ्रेंड लक्ष्मण को बताया था और लक्ष्मण ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, वरना तो श्रद्धा के बारे में कुछ खबर ही नहीं मिल पाती, पता ही नहीं चल पाता कि श्रद्धा के साथ हुआ क्या है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेंड जरूर बनाए जो कि हमारी बात सुने और हमारे जीवन में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो हमें कहीं कुछ मशवरा दे पाए, हमें कुछ समझा पाए, और उससे हमें, क्योंकि कई बार होता है कि आप एक ऐसे इमोशनल टर्माइल में फंसे हुए हैं जहां से आप निकलना चाहते हैं निकल भी नहीं पाते हैं,
क्योंकि आप प्यार भी बहुत करते हैं उस इंसान से, उसका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और आप क्या कहते हैं चीजों में सरेंडर होते चले जाते हैं, आप सरेंडर करते चले जाते हैं, आप कंप्रोमाइज करते जाते हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी लाइफ के लिए एक थ्रेड बन जाती हैं। आपका जरूरत से ज्यादा झुकना और एक टॉक्सिक रिलेशन के साथ में रहना, अगर आपका रिलेशन इतना एब्यूजिव हो गया है कि मारपीट तक नौबत आ रही है, तो आपको वहीं पे अपने उस रिलेशन को खत्म करके, ब्रेकअप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप किसी इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट में अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करना जा रहे हैं, तो आपको उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए, वो किस बैकग्राउंड से है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, किस प्रोफेशन में है, क्या करते हैं। और क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे का बिहेवियर बहुत हद तक घर वालों से मिलता हुआ ही होता है, ऐसे में आपको एक ओपिनियन मिल जाएगा कि ये जो रिलेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मेरे लिए ठीक होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप रिलेशन की शुरुआत इसीलिए कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में जाए, आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ को उसमें देख रहे हैं, और आप इसीलिए हस्बैंड, आप इसीलिए एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह साथ रहना चाहते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप बैकग्राउंड को जरूर चेक करें, ताकि आप इस तरह के मोह जाल में फंसने से रुकें और आपके साथ इस तरह का क्राइम ना हो। धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।